में था एंड बाकी और भी दो चार क्लासेस में मैं पढ़ा चुका हूँ। एंड अभी मैं आवंती के साथ लास्ट एक साल से, लगभग एक साल नहीं हुआ अभी तो, लास्ट एक साल से मैं आवंती के साथ हूँ। जानते होंगे कि ऑलरेडी की अवंती क्या करता है एंड कैसे कैसे हम कंडक्ट करते हैं क्लास। किसी को कोई डाउट है इसके बारे में कि क्या होगा सर क्लासेस कितना रहेगा या कुछ और डाउट्स? ना सर। तो बेसिकली आपका अभी से मतलब टोटल 6 दिन क्लास रहेगा, मतलब वीकली 6 डेज रहेगा क्लास और हर एक दिन एक एक क्लास रहेगा। तो मैथ्स का ही आपका ज्यादा क्लासेस है, नंबर ऑफ क्लासेस आई थिंक मैथ्स का आपका 10B01 का बैच है आपका, तो आपका वीकली 3 क्लासेस रहेगा जो कि मैं ही लूंगा। तीनों क्लासेस ही मैं ही लूंगा अनटिल एंड अनलेस अगर मैं कुछ रीजन से अगर एब्सेंट रहूंगा तो आई थिंक कोई और टीचर लेंगे, बट आपका पर्टिकुलरली मैथ्स के लिए मैं ही आपका क्लास कंडक्ट कराऊंगा। सर आज हमारा मैथ्स का कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? एकदम स्टार्टिंग से करेंगे बेटा, नंबर सिस्टम से एकदम, जो फर्स्ट चैप्टर यस आता है सर। आपका बेसिक से हम करेंगे स्टार्ट, ठीक है? ओके सर। और आपका मैथ्स है एंड आई थिंक इसके बाद आपका साइंस रहेगा। साइंस का तीनों साइंस का अलग अलग 3 क्लासेस है, तो टोटल 6 दिन का 6 क्लासेस है। मैथ्स का 3 क्लास एंड बाकी 3 क्लास आपका साइंस में जाएगा, ठीक है? तो ओके आप लोग ऑलरेडी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है बाकी सब्जेक्ट्स एंड ऑल? बहुत अच्छे फाइन। ठीक है, तो किसी का कोई डर नहीं है मतलब मैथ से कि मैथ अच्छा नहीं लगता? सबको मैथ अच्छा लगता है, ऐसा कोई नहीं है कि किसी को मैथ अच्छा लगता नहीं है, मतलब बहुत अच्छा नहीं लगता है, ठीक ठाक लगता है, ऐसा अच्छा बहुत अच्छा लगता सर, ठीक है, बहुत ठीक। अच्छा। और ऐसा कोई नहीं है जिसे जिसको एकदम बेकार लगता है? अरे लगता है तो बोल दो, कोई शर्माने की बात नहीं है। मुझे भी एक टाइम पर लगता था ऐसा कि मैथ्स तो नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर लगता है तो बोल दो बेटा। गुड गुड इवनिंग सर, इवनिंग बेटा। गुड अच्छा, इवनिंग। एक एक बच्चा बोल रहा है मुझे लगता है सर, ठीक है, आप शर्माओ मत एकदम, आप एकदम खुल के बात करो, कोई मतलब डिफिकल्टी नहीं है, आप कुछ भी पूछ लो, जो भी आपका डाउट्स है कुछ भी। अगर कुछ और सब्जेक्ट्स के बारे में होगा तो अगर मेरे से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो सब्जेक्ट टीचर आपका देख लेंगे। बाकी कुछ भी डाउट्स होगा तो बेटा पूछ लेगा, ठीक है? आपका जो क्लासेस के बाद जो नोट्स आएगा वो नोट्स मैं सेंड कर दूंगा क्लास में। तो पहला बार जो है, क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बोल देता हूँ मैं, जो कि आई थिंक आपको कल बोल दिया गया था, आपको क्लास में रेगुलर आना है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम लोग करा रहे हैं आपको, तो हमारा भी कुछ एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप सीरियस रहो क्लास के बारे में, कि हाँ ऐसा नहीं हो कि आप एक दिन आ रहे हो दो दिन नहीं आ रहे हो, आपका जो मिनिमम होमवर्क जितना भी दिया जाएगा आप करो। तो हम लोग ये सब एक्सपेक्टेंस मतलब एक्सपेक्टेंसी है आप लोगों से कि हाँ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एटलीस्ट थोड़ा आपका पढ़ाई को लेके आप सीरियस रहो, ठीक है, कि विदाउट सीरियसनेस तो कुछ होगा नहीं बेटा। ऐसा नहीं कि सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ऐसा नहीं है, बट हाँ आप जितना देर पढ़ रहे हो टाइम टू टाइम पढ़ो, कंसिस्टेंट रह के पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में 10 घंटा पढ़ाई कर लिया, बाकी 2-3 दिन या 4 दिन बैठे रहे ऐसे, पढ़ाई का मन नहीं, ऐसा नहीं। अब रोज 2-3 घंटा पढ़ो बट हाँ कंसिस्टेंटली डेली पढ़ो, ठीक है? हाँ बीच में 1-2 दिन का गैप ले लो, वो अलग बात है कि हाँ सर आज मन ही नहीं है पढ़ने का, वो अलग बात है, बट ऐसा मत करना, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि एग्जाम के टाइम से पहले बहुत पढ़ लेते हैं, मतलब दिन का 5-6 घंटा 6-7 घंटा पढ़ लेते हैं, बट सारा यार या टोटल जो ड्यूरेशन रहता है आपका, अभी क्लास 10th चल रहा है, तो आप रेगुलरली पढ़ाई करो जो भी सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट को अगर 1 घंटा दोगे ना, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ क्लासेस के छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? आपका ट्यूशन होगा किसी किसी का, कोई कोई ट्यूशन लेता है इधर, अभी किसी का ट्यूशन है स्कूल को छोड़ के? नो नो ट्यूशन सर, अगर रहेगा भी तो कोई बात नहीं है, हो सकता है कि किसी का ट्यूशन रहे, बट बेसिकली आपको ओरिएंटेशन में भी बोला गया था तो मैं फिर से बोल देता हूँ। बेसिकली आप हम लोग का जो मोटो है, आपका सिर्फ 10th का मोटो नहीं है, हम लोग का मोटो बेसिकली है जेई एंड नीट के लिए, ठीक है? जिनका मतलब अभी से थोड़ा मतलब मोटो है कि हाँ मुझे जेई की क्रैक करना है या नीट में जाना है, तो बेसिकली ये मोटो लेके हम लोग चल रहे हैं, और इसका कुछ बेसिक्स जो है वो हम 10th में पढ़ाएंगे। मतलब 10th में आपका बेसिकली बोर्ड्स भी कवर किया जाएगा, और कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आपका 11th एंड 12th के साथ लिंक होता है, तो वो सब हम बहुत अच्छे से कराएंगे और उसको थोड़ा लेवल अप कराएंगे, मतलब थोड़ा बहुत लेवल अप कराएंगे, क्योंकि आप 11th में जब जाओगे तो आपका थोड़ा देखना आपको थोड़ा इजी रहेगा चीजों को समझने, क्योंकि 10th से जब 11th में जाओगे ना बेटा आपका एक बहुत बड़ा जंप होता है,
क्योंकि सिलेबस का जो अभी आप टेंथ में हो इसका मतलब बहुत बड़ा जंप हो जाता है, मतलब अभी आप मान चलो कि 20% है तो उधर जाके बाकी 80% देखने को मिलेगा, इतना बड़ा जंप होता है। तो ये बहुत बच्चे के लिए मतलब कोप अप कर नहीं हो सकता है कि हाँ मतलब इतना बड़ा जंप। बहुत बच्चे के लिए होता है कि टेंथ में बहुत अच्छा मार्क्स आया है बट इलेवेंथ में प्रॉब्लम हो रहा है, तो यही चीज जितना हो सके मिनिमम करने के लिए हम लोग पहले से ही क्लास टेंथ से ही थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ाई करेंगे कि कुछ कुछ चीज हमें इलेवेंथ में जाके प्रॉब्लम ना हो। बट हाँ, अब कोई कोई बोलने लगा सर मुझे तो इलेवेंथ में साइंस लेना ही नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, आपको साइंस लेना नहीं है, आप आर्ट्स लो, कोई भी फील्ड चूज कर लो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैथ्स बेसिकली क्या है, मैथ्स एंड बाकी साइंस भी जो है बेसिक साइंस होता है। आप बाद में जाके कोई भी जॉब का या कुछ भी चीज का अगर एग्जाम देने बैठोगे ना, मैथ्स इंग्लिश या साइंस बेसिक साइंस जो होता है ये सब काम आने वाला। तो आप दिमाग में ये मत बैठाओ कि मैं साइंस तो नहीं लूंगा सर, तो मुझे तो मैथ्स का उतना जरूरी नहीं पड़ेगा, तो ये चीज दिमाग से हटा दो एकदम। मैथ्स और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आप सारा लाइफ आपका कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा, तो मैथ्स तो स्ट्रांग होना ही है, ठीक है। अभी स्ट्रांग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करेंगे अच्छे से हो जाएगा स्ट्रांग, इतना भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस में रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना है, और हाँ क्लासेस ज्वाइन करना है, क्योंकि देखो आप क्लासेस तो मैं वीकली 3 क्लासेस लूंगा, 1 घंटा का क्लास होगा, बेसिकली आज हम स्टार्ट करें तो थोड़ा बात कर लेते हैं। तो बेसिकली आपका क्लासेस स्टार्ट जब होगा, मतलब आज से ही स्टार्ट होगा मान लो आप, तो नेक्स्ट जब क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास आएगी आपका सैटरडे है, तो सैटरडे को जब क्लास होगा तो आपका थोड़ा ये प्रीवियस क्लास थोड़ा देख के आना है जो भी मैं करा होगा। ऐसा नहीं कि कोई अगर मिस कर जा रहा है ना, तो वो क्या करेंगे कि वो आपका ग्रुप में जो नोट्स मिल जा रहा है, नोट्स थोड़ा रिवाइज कर लिया, एक बार देख के आओ कि हाँ मेरा क्लास मिस हो गया है, और आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड किया जाएगा तो आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो अगर पर्टिकुलर कोई क्लास मिस हो जा रहा है। बट दिमाग में ये चीज नहीं बैठाना है कि सर रिकॉर्डिंग तो मिल ही रहा है तो मैं लाइव क्लास क्यों ज्वाइन करूं। लाइव क्लास ज्वाइन करने का मोटो यही है कि आप कुछ डाउट्स या कुछ भी अगर देख रहे हो ना, डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हो। रिकॉर्डिंग्स में ये चीज नहीं होता है, रिकॉर्डिंग्स वो मूवी जैसा होता है कि आप बैठ के देख रहे हो बस कि हाँ सर बोल रहे हैं, हम कुछ पूछ नहीं सकते, कुछ चीज समझ नहीं आ रहा है तो पूछ नहीं सकते, जो कि लाइव क्लास में पॉसिबल है आपके। तो बात समझ आ रहा है? यस सर। तो कोई डाउट है किसी बारे में कि सर कुछ भी चीज को लेके कुछ डाउट है आपको? सर आप मैथ्स इंग्लिश में करवाएंगे? नहीं बेटा, हम लोग बेसिकली अभी मैथ्स मतलब जो आपका साइंस ग्रुप है इसी का ही क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। देखो बेसिकली हम लोग का, मैंने पहले बोला आपको, हम लोग का मोटो क्या है, जेई एंड नीट। नीट मतलब जो डॉक्टरी का एग्जाम होता है आप जानते होंगे 12th के बाद, एंड जेई मतलब इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है। तो इसमें आप देखोगे कोई भी इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहता है, इसमें आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहता है, इसलिए हम लोग सिर्फ यही सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके सर। ठीक है बेटा, और किसी को कोई डाउट? नो सर। सर आप मैथ हिंदी में पढ़ाओगे कि इंग्लिश में पढ़ाओगे, हिंदी मीडियम में? देखो बेटा ये चीज मैं एक बार बोल देना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, किसी और किसी का कोई डाउट होगा तो पूछ लो, मैं फिर इसका बोलता हूँ कि इसमें आप लोग का क्या इनपुट रहेगा। सर हमारा ना मैथ्स हिंदी में प्रॉपर जो मीडियम है वो हिंदी में, फिर हाँ मतलब कोई कोई मुझे मालूम है, कोई कोई इधर है जो जिनका की हिंदी मीडियम है, मैं इनके बारे में बोलता हूँ। किसी का और कोई क्वेश्चन है बेटा? सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ बेटा बोलो। सर जो हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 21 जून से सर छुट्टियां पड़ रही है, 29 जुलाई तक सर, तो फिर क्लासेस हमारी सुबह लगे करेंगी? क्लासेस आई थिंक अभी आपका टाइमिंग शाम को ही है, ठीक है, सुबह तो आई थिंक आपका नहीं है क्लासेस सर। तो मतलब आपका शाम को प्रॉब्लम है कोई क्लासेस में, मतलब क्लास ज्वाइन करने में या कुछ ऐसा कुछ? नो सर। फिर तो ठीक है बेटा, अभी आई थिंक आपका क्लासेस टाइमिंग, हाँ मैथ्स का मुझे जितना मालूम है 3 ही दिन, आई गेस आज का 7:15 से है, बाकी 2 दिन का, एक आई थिंक 5:30, एक आई दिन 6:30 ऐसा कुछ होगा। आपको लिंक मिल जाएगा, आप ग्रुप में थोड़ा एक्टिव रहना, ठीक है, और मेरा तो नंबर आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि देखना वही मेरा नंबर है जिस नंबर से मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ कि हेलो एवरीवन प्लीज ज्वाइन द क्लास, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो आपको अगर पर्टिकुलर किसी भी दिन कोई चीज अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा व्हाट्सएप में एक्टिव रहना क्लास के दिन,
कि हाँ आज क्लास है तो लिंक मिल जाएंगे, नोट्स भी उसी में मिल जाएंगे। फिर भी अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते, ठीक है? और किसी का कोई डाउट है फिर मैं वो हिंदी मीडियम वाला चीज बोलता। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी रेज हैंड कर चुके हैं, तो किसी को कोई डाउट है? आशा सक्षम तो पूछ लिया बेटा, अनीता, अवनीत, सीमा, रामा, चंचल, किसी को कोई डाउट है बेटा? आप लोग हैं? ठीक है, ठीक। तो बेसिकली जो जो बच्चे हिंदी मीडियम से है, मैं एक चीज बोल रहा हूँ। अब देखो, अभी आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो, ठीक है? अब क्या है कि अभी आप क्लास टेंथ में हो, आप इलेवेंथ में जाओगे, ट्वेल्थ में जाओगे, सिर्फ 2 साल का बात है, ठीक है? आप मैक्स टू मैक्स 12th तक ही पढ़ पाओगे, उसके बाद आप हिंदी मीडियम नहीं पढ़ पाओगे। आप अच्छे से बात को समझो। आप क्लास 1 से लेके, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप क्लास 1 से लेके 12th तक हिंदी मीडियम में ही पढ़ोगे, ठीक है? हाँ सर, ठीक है। और अभी आप, अभी हम क्लास 10 तक पढ़ चुके हैं, मतलब लगभग 10 साल मैं पढ़ चुका हूँ हिंदी मीडियम में। अभी आप अचानक से मुझे बोल दोगे सर कि मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, तो ये तो सर मेरे लिए हेक्टिक हो जाएगा। एग्जैक्टली, आपके लिए थोड़ा ना हेक्टिक हो सकता है, बट एक चीज समझो आप, अभी आप हिंदी मीडियम में पढ़ाई करो, सिर्फ 12th तक पढ़ाई करो, बट 12th के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बेटा। आपको बाय डिफॉल्ट आपको इंग्लिश में पढ़ना ही है। आप कॉलेज में जाओगे, कहीं भी जाओगे, किसी भी सब्जेक्ट में लो, आपको इंग्लिश में बाय डिफॉल्ट पढ़ना ही होगा। मतलब ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि आप पढ़ो कि हाँ, अंटिल एंड अनलेस अगर आप लैंग्वेज नहीं ले रहे, मतलब कोई हिंदी ही ले चुका है, मतलब हिंदी का ऑनर्स ले रहा है, ये भी हो सकता है, तो वो हिंदी में पढ़ सकता है, बट वो एक पर्टिकुलर ऑप्शन है। अदरवाइज आप कोई और चीज में जाओगे ना, कहीं भी, आपको इंग्लिश बेटा पढ़ना ही है, पढ़ना ही पढ़ना है। आपको इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में पढ़ना है, सब कुछ इंग्लिश में करना है। तो क्यों ना आप अभी से चीज थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, क्योंकि आप 12th के बाद अचानक से स्टार्ट होगा ना, कोई ऑप्शन जब नहीं रहेगा ना, आप सोचोगे कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है पढ़ाई, होगा ही, सबके साथ ही होता है। तो आप जितना पहले से इस चीज स्टार्ट कर दोगे ना, समझना थोड़ा थोड़ा करके, तो आपके लिए इजी होगा बाद में कोप अप करने। तो मेरा सलाह यही है। और बेसिकली मैं हिंदी में ही बोलूंगा, पढ़ाई वढ़ाई सब हिंदी में बोलूंगा, बट मैं जो टर्म्स एंड जो लिखूंगा ना, वो इंग्लिश में लिखूंगा। तो आप थोड़ा इस चीज को अभी से ट्राई करो समझने की। अब कोई पर्टिकुलर टर्म अगर नहीं समझ आ रहा है, तो वो पर्टिकुलर टर्म को ना आप गूगल कर सकते हो। गूगल में आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट दिखा देता है। तो ये बहुत, मतलब बड़ा कुछ चीज तो है नहीं। और कुछ कुछ टर्म अगर मुझे मालूम होगा तो मैं जरूर आपको बोल दूंगा कि हाँ सर, इसका ये वाला टर्म का हिंदी मीनिंग ये होता है। बट बेसिकली मैं अगर मेरा खुद का बोलूँ, तो मेरा स्कूल के टाइम पे ना लैंग्वेज बंगाली था, क्योंकि मेरा मदर टंग बंगाली है, ठीक है? तो मेरा भी ये सेम इशू कॉलेज टाइम पे कि हाँ टोटली इंग्लिश में पढ़ना था। तो इसलिए मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश से जितना हो सके ना इंट्रोडक्शन बढ़ाओ, सिर्फ हिंदी को लेकर मत पकड़ रहो, बाद में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, मार्क माय वर्ड। तो अभी से थोड़ा जितना हो सके इंग्लिश के साथ, इंग्लिश स्पीकिंग बोलो या कुछ भी चीज, आप इंग्लिश के साथ ना थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ाओ, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाह रहा हूँ आप सबके लिए। तो आप अभी से ट्राई करो कि हाँ बेटा बोलो। सर आपके YouTube चैनल का नाम अवंती गुरुकुल है ना? हाँ हाँ, वो सब लिंक मिल जाएगा बेटा, आप उस चीज को लेके एकदम टेंशन मत लो कि हाँ पर्टिकुलरली सर क्लासेस कहाँ से मिलेंगे, मतलब क्लासेस रिकॉर्डिंग्स मुझे चाहिए होगा या कुछ भी आप जो बोल रहे हो, ये सब आपको मिल जाएगा। सर मैंने पहले से सब्सक्राइब किए हो सुना। अच्छा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप पहले से अगर सब्सक्राइब कर दिए तो फिर ठीक है। हिमाचल अवंती नाम से है, तो उसमें आप देख रहे आपका जो क्लासेस है वो लिंक आ जाएगा। अभी तो आज से क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो आज से तो नहीं आएगा बेसिकली, बट हाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो इसका कुछ इशू नहीं है। और किसी को कोई डाउट? तो मेरा कहना यही है कि आप थोड़ा अभी से ट्राई करो, हाँ जितना हो सके इंग्लिश के साथ मेरा इंटरेक्शन बढ़े, पर्टिकुलर वो मैथ्स के लिए नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है? नहीं तो आपको बाद में बहुत, मतलब मुश्किल फेस करना पड़ जाएगा बेटा, क्योंकि आप जब 12 पास कर लोगे ना, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, कहीं भी जाओ आप, कोई इंटरनेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल छोड़ो, आप नेशनल लेवल पे कोई भी एग्जाम देने जाओगे ना, उसका क्वेश्चन भी आपको ना इंग्लिश में आता है। बहुत कम एग्जाम है जिसका आपका हिंदी में आता है। हाँ यूपीएससी का मैं सोच सकता हूँ, वो अलग बात, ठीक है? कुछ कुछ एग्जाम्स है जिसका क्वेश्चन आपको हिंदी में दिख जाएगा, बट आपको पढ़ना ना इंग्लिश में ही होता है। सारा बहुत अच्छे अच्छे जो भी बुक्स एंड बाकी जो भी मिल जाएगा ना मटेरियल, इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में बहुत कम सोर्सेस मिलेगी, ठीक है बेटा? और किसी का कोई डाउट?
सर जब हमारे समर वैकेशंस होंगी तब भी हमारी क्लासेस लगा करेंगी। हाँ बेटा, क्लासेस तो आपका रहेगा ही, क्योंकि पढ़ा आप देखो, वैकेशन क्यों दिया जाता है आपको, पढ़ने के लिए ही क्या दिया जाता है? अगर आप पढ़ने के लिए जो वैकेशन दिया जाता है उस टाइम पे भी आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। और बेसिकली हम लोग का जो ये टोटल प्रोग्राम है, आई थिंक आपको बोला गया है कल जो ओरिएंटेशन था कि ये 6 मंथ्स के लिए, तो 6 मंथ्स में अगर आप 1 मंथ का जो समर वैकेशन है, मान के चलता हूँ कि 1 मंथ या 20 दिन जितना भी आपका समर वैकेशन है, इतना अगर बड़ा गैप ले लेंगे हम, सब भूल जाएंगे ना, तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो कंटिन्यू क्लासेस जो रहेगा ये कंटिन्यू रहेगा। हाँ हो सकता है एक दो दिन यस का बीच में गैप मिल जाए, क्योंकि वो जो पब्लिक हॉलीडेज है अगर उसमें आ जाएगा कोई क्लास तो वो नॉर्मली आपको छुट्टी मिल जाएगा। अंटिल एंड अनलेस अगर कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं आता है, या कोई आपका मतलब कोई पर्टिकुलर कोई मतलब क्या बोलते हैं रिचुअल अगर नहीं रहता है, तो आप नॉर्मली क्लासेस तो रहेगा, क्लासेस बंद नहीं होता। ठीक है, और किसी को कोई डाउट बेटा? नो सर नो सर नो सर नो सर तो आप सब लोग अभी हिमाचल से हो? यस सर बहुत। तो अभी हिमाचल में ठंड कितना है? यस सर शिमला। बहुत ठंड है अभी। यस सर स्वेटर पहनी है हमने। सोलर पे नहीं है? बाप रे, ये तो बहुत गर्मी है। मतलब टेम्परेचर कितना चल रहा है अभी, आप देख भी पा रहे हो, मैं टी शर्ट पहन के बैठा हूँ। 29 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मतलब अच्छा खासा है, मतलब अभी भी मतलब है, तो मतलब अभी आपका यही टेम्परेचर मैक्सिमम है राइट? इसके बाद तो और भी आई थिंक लोएस्ट चला जाता है राइट? ऐसा कुछ या इसके नो सर सर तो हमारे आप इधर तो 38 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अच्छा 38, ये तो बहुत ज्यादा है। बाप, इतना ज्यादा होता तो मुझे मालूम नहीं। तो आप लोग कौन सा डिस्ट्रिक्ट, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आप लोगों का? शिमला से चंबा कांगड़ा मतलब बहुत 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 सारे डिस्ट्रिक्ट से हुआ, शिमला सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है। यस राइट है। अच्छा, मंडी से भी? अच्छा, मंडी में एक आईआईटी है आपको मालूम है? हाँ, तो बेसिकली लास्ट साल मुझे जितना याद आ रहा है, लास्ट साल एक बच्चे का हुआ था, ये अवंती फेलोज से था, अवंती फेलोज से उनका 12th का बच्चा था, बेसिकली 12th का बच्चा था, वो सीएससी में हो गया था उसका, आईआईटी में, मंडी आईआईटी में सीएससी में। ठीक है, तो वो भी एक आई आई टी अच्छा अच्छा होता है। आई थिंक आप जानते हो आईआईटीज क्या होता है, मतलब इंडिया के जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज है इंजीनियरिंग के, उनमें से आप टॉप टॉप के जो टॉप मानोगे ना, वो है आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत अच्छा कॉलेज होता है इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, मतलब इस पे आपको चांसेस लेने के लिए पहले आपको जेई देना होता है, एंड देन आपको जेई एडवांस। तो ये सब हम बाद में बात करेंगे, अभी आपका थोड़ा बहुत आप लोग के पास टाइम है, बट अभी से हम लोग मान के चलते हैं कि हाँ ये हम लोग का एम होता है कि हाँ ये हम करेंगे। ठीक है, अभी से आपको अगर किसी को मन में है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बार बार बोल रहा हूँ कि आपको बनना ही है इंजीनियर, ऐसा नहीं है, बट किसी का मन में अगर है कि हाँ मुझे बनना है, तो आप अभी से ना इस चीज को लेके मन में चलो कि हाँ थोड़ा थोड़ा करके ना मैं मेरा जो मोटिव है उस तरफ लाएंगे कि हाँ मुझे बनना है इंजीनियर, या ये एग्जाम क्लियर करना है तो मुझे साइंस स्ट्रांग रखना, तो आपको इसी चीज गुड याद रख इवनिंग के आपको सर। पढ़ाई करना। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। तो मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर यस स्क्रीन दिखा रहा है मेरा सबको? यस सर ठीक यस सर चलो फिर थोड़ा 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 करके आज स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला दिन है, तो थोड़ा बाद भी हो गया है हम लोग का, तो इसलिए थोड़ा क्लास स्टार्ट करने में लेट हुआ। कोई बात नहीं, पढ़ाई भी चलेगा बाकी सब भी चलेगा, नेक्स्ट दिन से हम एकदम स्टार्टिंग से ही एकदम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस सर तो मैंने बोल दिया आपको कि आपका जो यस आपका सर टॉपिक जो है बेटा वो नंबर सिस्टम का है। ठीक है, तो बेसिक नंबर सिस्टम जो रहता है वही आपका बेसिक रहता है बहुत, तो ये चीज आपको 11th में भी बहुत काम आए। ठीक है, तो हम लोग इधर जो भी पढ़ेंगे ना, थोड़ा थोड़ा इस चीज को याद रख के पढ़ेंगे कि हाँ 11th में मुझे कुछ ना कुछ याद आ जाए, मतलब कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए इस चीज को लेकर। ठीक है, तो इस
अच्छा मतलब जो भी हम पढ़ेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि हम जो पढ़ेंगे इससे फायदा क्या होगा या क्या जान पाएंगे, ठीक है। मतलब कोई ना कोई फायदा ना होता, फायदा के लिए ना मतलब कुछ ना कुछ जानने के लिए ना पढ़ रहे, ऐसा तो नहीं है कि हम पढ़ के कुछ मतलब फायदा तो कुछ है नहीं, मतलब ऐसे ही पढ़ रहे हैं कुछ काम वाम तो है नहीं, पढ़ लेते हैं चलो, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम पढ़ रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ मोटो है हमका कि एग्जाम है मेरा, अच्छे से पढ़ाई करेंगे या क्या जान पाएंगे इधर से। तो बेसिकली क्या है कि हम इसमें से रैशनल नंबर इरेशनल नंबर जो है ना इनका हम देखेंगे कि इनका प्रॉब्लम जो है ये कैसे सॉल्व करते हैं, ये होता क्या है एंड इसका बेसिक्स देखेंगे। आई थिंक आपको पहले से ही मालूम है बट फिर भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो देखते हैं कि ये चीज होता क्या है। तो आपको सबसे पहला जो आएगा वो आएगा आपका रैशनल नंबर। तो कोई बोल सकता है मुझे कि हाँ सर रैशनल नंबर होता क्या है, किसी को कुछ याद? ओके ओके बेटा मैं समझ गया, बहुत सारे बच्चे बोलने लगे, ठीक है कोई बात नहीं। तो बेसिकली ये क्या होता है, हमें मालूम है कि सर ये एक ऐसा कुछ फॉर्म होता है जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, मतलब हम ऊपर में कुछ लिखेंगे और नीचे भी कुछ लिख देंगे, ठीक है। बट इसमें एक रेस्ट्रिक्शन क्या है कि हाँ ये जो Q है ना सर, ये Q जो है सर Q नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो Q का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। हाँ डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, बट Q नहीं हो सकता भाई, ये तो जानना है ना कुछ तो रीजन होगा, तो Q नहीं हो सकता। किसी भी नंबर को आखिर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा। बट ऐसा नहीं है कि आप कोई भी नंबर, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जीरो बाय जीरो ले लेंगे, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है। जीरो बाय जीरो भी हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब इसको डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं, मतलब निकाल ही नहीं सकते हैं। बेटा कोई कुछ बोल रहा था सर, 0.1 0.1 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है। आप क्यू का वैल्यू जीरो नहीं ले सकते, मतलब डिनोमिनेटर जो कि नीचे बैठता है, न्यूमरेटर कहाँ बैठता है, न्यूमरेटर ऊपर रहता है राइट, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये तो सबको मालूम है राइट। तो डिनोमिनेटर जो है ये जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो सब कोई भी नंबर्स को मान लो आप 1/0 ये बेसिकली इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर है जिसको हम निकाल ही नहीं सकते, मैथमेटिक्स में ये निकालना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप ऐसे सोचो, आप जितना बड़ा नंबर सोच सकते हैं, जितना बड़ा उससे भी बड़ा कुछ है और उसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। आप बोल दोगे 100 करोड़, मैं बोल दूंगा 900 करोड़, कोई बोल देगा 1000 करोड़, तो उससे भी बड़ा कुछ ना कुछ है। आप जितना बड़ा नंबर सोच सकते हो उससे भी बड़ा कुछ है, इसी चीज को हम इनफाइनाइट बोल रहे हैं। तो इनफाइनाइट तो कोई फिक्स चीज है नहीं, आप जितना सोच सकते हो उससे भी बड़ा है। अब हमारा सोच का कोई कंट्रोल है क्या? नहीं है। आप जितना बड़ा नंबर सोच सकते हो उससे भी बड़ा कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, एंड दैट इज इनफाइनाइट। सो बेसिकली कोई भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हो, और जीरो को भी जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हो, जीरो को जीरो से डिवाइड करना भी पॉसिबल नहीं है, इसको निकालना भी पॉसिबल नहीं है। ये जीरो बाय जीरो जो है इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। ये सब अभी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चाहिए, मैं जस्ट बोल रहा हूँ इनडिटर्मिनेट। डिटरमाइन करने का मतलब है कि किसी चीज को निकालना, और इनडिटर्मिनेट मतलब इसको निकालना पॉसिबल ही नहीं है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं इसको हम, ठीक है, जीरो बाय जीरो। तो ये सब बहुत मतलब ऐसे टोटल सातों फॉर्म्स होते हैं मैथ्स में, बट ये चीज आपको अभी जरूरत नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा ये चीज। उसमें से एक फॉर्म है आपका जीरो बाय जीरो, ऐसे सातों फॉर्म है जिसको हम मैथमेटिक्स में निकाल ही नहीं सकते हैं, निकालना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ये सब बेसिकली आपका थोड़ा हायर लेवल पे चला जाएगा। तो अभी हमने क्या मतलब पढ़ा कि रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू जो कि हमें मालूम था, और क्यू जीरो नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी टर्म को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो रैशनल नंबर का एग्जाम्पल दे दो सर, हम बोलेंगे सर 1/2 हो सकता है, और 2/5 4/5 नेगेटिव भी, -2/3 या -2 भी बोलेंगे ना, फिर ये भी हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसमें तो डिनोमिनेटर नहीं है, नहीं बेटा इसमें डिनोमिनेटर 1 है सर, 1 इसमें डिनोमिनेटर 1, तो हम बोल देंगे ये भी मेरा क्या आ जाएगा, p/q आ रहा है। तो
तो ये बेसिकली था मेरा रैशनल नंबर जो कि पहला वाला। समझ आया सबको? दूसरा क्या बोल रहे हैं कि इफ पी वाई क्यू रैशनल नंबर। अच्छा, इसके बाद जो आएगा आपका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वाला चीज आता है। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब आप मान लो, हाँ बेटा बोलो, जिस चीज को हम किसी से डिवाइड करके आखिर लास्ट में जीरो आ जाते हैं तो उसे हम टर्मिनल बोलते हैं। खत्म हो जाएगा, कंटिन्यूअसली नहीं चले। मतलब अगर मान लो कि मैं ना वन को टू से डिवाइड कर रहा हूँ, वन बाई टू, इसका वैल्यू क्या आता है सर? 0.5। तो 0.5 में स्टॉप हो जा रहा है, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि सर 1/4, इसका वैल्यू कितना आएगा? सर 0.25 आ जाएगा। तो ये सब जो देख पा रहे हो ये सब टर्मिनेटिंग होता है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बट कोई टर्म अगर मैं बोल दूं कि 1/3, जिसका वैल्यू आता है 0.3333, ऐसे कंटिन्यू 333 चलता ही है, 3 स्टॉप नहीं है, टर्मिनेटिंग। ये जो है ये टर्मिनेटिंग बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीज आता है, एक में रिपीट नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि आपको पी बाई क्यू जो मिलेगा, इसमें आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो अगर 2^m इंटू 5^m के फॉर्म में अगर रहेगा, और m क्या होगा? होल नंबर। कोई बोल सकता है होल नंबर क्या होता है? आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोग सब जानते हो। तो होल नंबर बेसिकली जीरो से स्टार्ट होता है सर, 0, 1, 2 एंड 3, ऐसे करके कंटिन्यू। तो m का वैल्यू w होगा, मतलब होल नंबर होगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ, अगर कोई भी टर्म मैं एग्जांपल में ले लेता हूँ कि सर 7/2^2 एंड 5^2, तो मैं बोल दूंगा ये क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा, क्योंकि ये 2^m और 5^n इस फॉर्म में चला जा रहा है। बात समझ आ रहा है? बट 2 और 5 को छोड़ के अगर कुछ और आ जाएगा तो हम नहीं बोल सकते, तो टर्मिनेटिंग आएगा और नॉन टर्मिनेटिंग चला जाएगा। बात समझ आ रहा है मेरा? हमें सिर्फ देखना है डिनोमिनेटर, मुझे न्यूमिनेटर को लेके सोचना ही नहीं है। डिनोमिनेटर क्या है इसको देख के हम बोल सकते हैं इज दिस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्म। बात समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। क्या बोल रहा है कि अगर पी एंड पी बाई क्यू जो रैशनल नंबर है, इसमें से क्यू जो है वो अगर 2^m, अब इसमें देखो क्या दिया है, 2^m और 5^n जो दिया है, 2^n के साथ क्या दिया है, 5^n, मतलब दोनों का पावर अलग दे दिया है, एक में m दिया है और दूसरे में n दिया है, मतलब दोनों का पावर अगर अलग होगा और इस फॉर्म में अगर नहीं रहेगा तो हम बोलेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। मतलब जो मैं अभी अभी बोल रहा था आपको कि आप मान लो कि इसमें आपका क्या जा रहा है, अच्छा एक एग्जाम्पल ही दिखा देते हैं, चलो मान लो आपको दिया है 1/2^2 × 5³ × 3, तो ये देखो क्या हो जा रहा है आपका 2^m 5^n इस फॉर्म में नहीं है, एक 3 एक्स्ट्रा आ गया है जो कि इधर अगर इस फॉर्म में होता तो मैं बोल देता ये टर्मिनेटिंग में चला जाएगा, बट ये तो इस फॉर्म में नहीं है तो ये मैं क्या बोलूंगा, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में चला जाएगा। बात समझ आ रहा है? मुझे बस कुछ नहीं करना है, मुझे डिनोमिनेटर देखना है कि ये 2^m और 5^m इस फॉर्म में है या नहीं। तो अगर मैं किसी से पूछूं कि बेटा अगर मैं लिख देता हूँ 1/5², ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग? ये टर्मिनेटिंग होगा। अब किसी किसी को लग सकता है सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि इसमें तो 2 का टर्म है नहीं। नहीं बेटा, इसमें 2 का टर्म है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5² और 2 के पावर में मैं 0 लिख देता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज के पावर में 0 तो 1 ही होता है सर। और अभी अभी मैंने बोला ये जो 2^m 5^m है,
एम क्या है? होल नंबर, और होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मतलब टू के पावर में जीरो अगर आएगा तो ये होल नंबर ही है। तो मैं बोल सकता हूँ ना ये वन बाई टू टू द पावर एम, फाइव टू द पावर एम वाला फॉर्म में आ जा रहा है, जहाँ की ये वाला दो, ये दो नंबर क्या होना चाहिए जो पावर में है, ये दोनों ही होल नंबर होना चाहिए जो कि है। तो मैं बोल सकता हूँ, और तुम निकाल के देखना 1 बाई 25 का वैल्यू कितना आएगा। कोई बोल सकता है 1 बाई 5 स्क्वायर मतलब 25, ये आ जाएगा कितना? 0.04 आ जाएगा। तो आप देख ही पा रहे हो टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि सर दिस इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, बात समझ आया कि नहीं? बोलो मुझे कोई कि आप लोग में से सब, मैं तो नॉर्मली इंजीनियर पूछ रहा हूँ कि किसको टेबल कितना तक पता है? सर 25। इतना तो मुझे ही पता नहीं है। सर 25। हाँ बेटा पूछो, इसी का पूछो बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। डिनोमिनेटर नेगेटिव में भी हो सकता है। हाँ बेटा बोलो फिर से, आपका आवाज नहीं आया बेटा। हेलो बेटा, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो सकता है या नहीं, यही पूछ रहे हो राइट? यस सर। डिनोमिनेटर नेगेटिव में हो सकता है। इस चीज को ऐसे समझते हैं, देखो मान लो आपको आपको मैंने एक दिया है प्रॉब्लम, माइनस टू डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर एंड फाइव क्यूब, हो सकता है ऐसा? अब देखो ये जो माइनस है ना, ये माइनस को आप कहाँ सोचोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप बोलोगे सर माइनस को मैं नीचे लूंगा, तो ले ओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे मैं माइनस को ऊपर लूंगा, तो लो। अब दोनों में नहीं ले सकते क्योंकि दोनों में माइनस लोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप अगर क्वेश्चन आप ये बोल रहे हो कि माइनस हो सकता है या नहीं, क्यों नहीं हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है। आप माइनस को ऊपर में दे दो, नीचे से टू टू द पावर एन, और सॉरी टू टू द पावर मतलब जो फॉर्म था टू टू द पावर एम, फाइव टू द पावर एम वाला फॉर्म था, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, बात समझ आएगा? अगर नेगेटिव आप नीचे आ रहा है, माइनस को ऊपर दे दो, बात खत्म। क्योंकि माइनस को आप कहीं भी बैठा सकते हो, न्यूमरेटर में बैठा, न्यूमरेटर में बैठा, बात सेम है। ठीक है, आप तो मोर देन एनफ हो चुके हो भाई, बहुत अच्छा। तो एटलीस्ट 20 तक सबको याद होना चाहिए, ठीक है? अगर याद नहीं है बेटा तो आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? क्योंकि ये बाद में बहुत काम आएगा, ठीक है? आई होप बहुत सारे बच्चे के ऑलरेडी है, अगर किसी का नहीं होगा अगर 20 तक, तो आप प्रिपेयर कर ले, ठीक है सर? 50 तक याद है, 50 तक याद है सच में? ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा है बेटा मुझे। आप बोलो 39 थ्रीजा को कितना होगा, 39 थ्रीजा? बोलो बेटा कितना आएगा 39 से मल्टीप्लाई करने से? इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, टेबल का मत 107 या कुछ और आएगा। देखो मुझे भी अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। तो अब देखो टेबल का मतलब ये है कि आपको पूछ रहा हूँ तो आप झटाक से आंसर दोगे कि 73 का कितना होता है 21, ऐसे आंसर yes, देना है। मतलब बीच से पूछा जाए ना तो आप आंसर दे पाओगे, तभी माना जाएगा कि हाँ आपका टेबल स्ट्रांग है। मैं अगर बोलूं मेरा 20 से ज्यादा है नहीं, 20 तक भी कुछ कुछ में मैं अटक जाता हूँ, सच में मैं बोल रहा हूँ। बट बेटा बोलो बेटा, सर आप पूछ लो, कोई बात नहीं बेटा, आप बोल रहे हो मतलब है आपको। अब मैंने कैसे बोला कि 39 थीजा कितना आएगा, मैं कैसे किया इसको? मैं मुझे तो ये मालूम नहीं था, मतलब मुझे तो 39 का टेबल याद ही नहीं है, और सच में बोलूं तो इतना तक रिक्वायरमेंट नहीं है। बट बहुत अच्छा कि आपको 50 तक याद है, बहुत अच्छा, मतलब आप जैसा मतलब एक दो होगा शायद, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा। बट हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा कि आपका 50 तक है। तो मैंने कैसे किया 39 3 को मल्टीप्लाई कैसे किया, मैंने 40 सोच लिया, 39 को 40 सोच लिया, तो 40 3 120 होता है,
और 120 से 3 घटा देंगे क्योंकि ये 39 है ना, एक कम है, तीन बार एक कम हो जाएगा तो तीन कम होगा, 120 से तीन कम 170, ऐसे भी सोच सकते हो। तो ये कैलकुलेशन समझ गए ना, ये डेविएशन वाला चीज, तो आप माइंड कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको हर टाइम टेबल का जरूरत नहीं होगा फॉर बिगन नंबर्स। ठीक है, बहुत कुछ है बेटा, आपका टू टू डिजिट का जो मल्टीप्लीकेशन होता है कि 72 को मान लेता है कि 19 से मल्टीप्लाई करके, ये वन लाइन में हो सकता है, ये सब भी मैं दिखाऊंगा, बट धीरे धीरे एक साथ सब कुछ दिखा दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा था सर? 72 को 19 से मल्टीप्लीकेशन सर 1368। आप डायरेक्ट बोल दिए, मतलब आपके पास कैलकुलेटर है क्या? नो सर, नो सर, कैलकुलेटर नहीं। आप कैसे बोले सर? मेरे पास, मैंने एक ट्रिक सीखी हुई है ना यूट्यूब से। अच्छा, हाँ, फिर जाके आपको होगा बहुत। तो ये सब ना बहुत काम आने वाला है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाए, क्योंकि अभी आपको इसका महत्वपूर्ण मतलब इसका इम्पोर्टेंस पता नहीं चल रहा कि हाँ सर क्या बोल रहे हो फालतू में मल्टीप्लिकेशन, ये एक लाइन में क्यों, क्या करेंगे हम, तो ये बाद में ना पता चल जाता है बच्चा कि जब आप कोई कॉम्पिटिटिव में जाओगे टाइम का बहुत जब शॉर्टेज होता है ना तब जाके आपको याद आएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना टाइम आपका बहुत दिया जाता है बच्चों को, मतलब जितना चाहिए होता है उससे डबल दिया जाता है। मेरा मानना है आपका जो लेवल क्वेश्चन होता है वो 1.5 घंटे में होना चाहिए, आप लोगों को 3 घंटा दिया जाता है, तो बहुत ज्यादा है ये। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं लोग कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, तो अभी अभी मैंने सिखाया, तो आप लोग ही बोलो कि क्या आ जाएगा। फर्स्ट टर्मिनेटिंग, अच्छा ये वाला टर्मिनेटिंग, चलो इसे टी लिख दिया, ये वाला क्या होगा नंबर टू? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन लिख रहा हूँ, ये वाला क्या आएगा? इसमें किसी को चलो अब इसको क्या बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस 23.324, अब 24 के ऊपर देखो आप एक बार दिया है, इसका मतलब वो 24 जो है वो रिपीट करेगी, रिपीटिंग होगा, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में करना है। तो ये बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है और ये टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो चलो एक इसको सॉल्व करके देखेंगे हम। तो ये कैसे करना है, मतलब जो वे रहता है इसका, मतलब आपको एग्जाम में ऐसे करना है, आपको एग्जाम में आपको जानना चाहिए। तो ये क्या होगा, x इक्वल्स टू कितना हम मान लेते हैं 23.324 और ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, मतलब 24 ही सिर्फ कंटिन्यू मतलब रिपीट करें। अब देखो हमें ना क्या करना है, ये जो रिपीटिंग टर्म्स है ना इसको पॉइंट के राइट, मतलब पॉइंट जहां रहेगा पॉइंट के राइट में सिर्फ रिपीटिंग टर्म्स जो है वो रखेंगे, बाकी कुछ नहीं रखेंगे। तो देखो तीन एक ऐसा टर्म है जो कि पॉइंट के राइट में है, तो इसको लेफ्ट में लाएंगे, कैसे, इससे हम 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 मल्टीप्लाई करने से पॉइंट एक पोर्शन राइट हैंड साइड चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा सर 233.2424 एंड सो ऑन, समझ आया? हाँ सर समझ आया। अब इसी चीज को 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब बोलोगे सर आप 100 ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखो इधर दो टर्म एक साथ मेरा रिपीट हो रहा है, तो मैं 100 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट दो इसमें चला जाएगा, इसके बाद जो मतलब अगर पॉइंट इधर आ जाएगा ना दो टर्म राइट में चला आएगा, उसके बाद फिर से वही टर्म्स रहेंगे जो कि आपका रिपीट कर रहा है। अगर आप 10 मल्टीप्लाई करते तो प्रॉब्लम क्या आता, पॉइंट 4 के आगे चला आता, बट 4242 तो आपका रिपीट नहीं कर रहा है, आपका 2424 रिपीट कर रहा है, तो इसीलिए मुझे 100 लेना है इसमें। तो अगर 100 लूंगा तो ये वाला पॉइंट फिर से दो स्टेप राइट में चला जाएगा, तो मैं क्या करूंगा अगर दो स्टेप राइट में जाएगा तो ये बन जाएगा 233.24 के बाद एक पॉइंट आएगा, देन 24 और एक बार 24 लिख रहा हूं। अगर आप अच्छे से देखोगे ना ये एक्चुअल में आपका 1000 x है जो कि आपका 233.24.2424, और आप अच्छे से देखो आपके पास 10x था, तो मैं लिख रहा हूं इधर 10x जिसका वैल्यू क्या था 33.24 24।
अब एक चीज देखो, पॉइंट के बाद इधर भी जो टर्म्स है, पॉइंट के बाद इधर भी सेम सेम टर्म्स है, तो अगर आप माइनस करोगे तो आपका ये टोटल पॉइंट के बाद जितने भी टर्म्स सारे सेम सेम होने की वजह से ये जीरो हो जाएगा, और अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये इसका हमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो इसको बस माइनस कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो ये वाला 1 आ जा रहा है, ये वाला 9 एंड ये वाला आपका 0 एंड ये वाला 23, मतलब आपका कितना आ जा रहा है, और इधर 1000 से 10 माइनस करने से 990x, तो आपका 990x का वैल्यू 23091। तो मुझे चाहिए था x, x मतलब क्या था, यही वाला था ना जिसको मुझे p by q फॉर्म चाहिए था, तो ये देखो x का वैल्यू आ जा रहा है 23091 डिवाइडेड बाय 990, तो ये आपका p by q फॉर्म में आ रहा है, तो आप बोल सकते हो दिस इज p एंड दिस इज q। बात समझ आ रहा है मेरा? ठीक है, चल दूसरा वाला देखते हैं। अब दूसरा वाला भी सेम सेम टाइप का ही है, लग ये बोल रहा है, अब इसमें सिंगल टर्म रिपीट हो रहा है, इसको भी सेम तरीके से करेंगे कि x लेंगे सर 0.7777 चारों लिख रहे हैं, तो मुझे ये पॉइंट के बाद ऑलरेडी दिख रहे हैं कि हाँ इधर क्या है सर 0.777, तो अब मैं इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 10 मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 10x, तो ये आ जाएगा आपका 7.7777। अब मैं 10x से क्या करूंगा, x को माइनस कर दूंगा, x कितना था 0.7777, तो ये आ जाएगा सर माइनस करने से इधर 9x, टोटल 7000 चारों ही 0 सेफ 7, x का वैल्यू आ जाएगा सर 7/9, मतलब p का वैल्यू आपका आ रहा है 7, q का वैल्यू आपका आ रहा है 9, इनको आप ऐड कर दोगे तो कितना आएगा p plus q आपका आ जा रहा है कितना 16। हाँ बोलो सर 16। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया है सब, बहुत। इसके बाद क्या है, चलो देखते हैं, इसके बाद आपका आ रहा है इरेशनल नंबर, तो बोलो इरेशनल नंबर क्या होता है मतलब क्या है कि ऐसा एक कोई भी अगर टर्म है जिसको मैं p by q फॉर्म में नहीं लिख पा रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा कि ये क्या है इरेशनल नंबर। तो अगर मैं बोल दू कि बेटा कोई इरेशनल नंबर का अगर एग्जांपल मान लेते हैं, मतलब अच्छा आप लोग ही बोलो, कोई बोल सकते हैं एग्जांपल? आप बोल रहे हो हाँ पाई भी होगा, बहुत ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि सर ये तो इरेशनल नंबर है तो इसको मैं पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा, बट मैं अगर बोलूँ कि मैं रूट 5/1 लिख दूंगा तो ये तो पी बाई क्यू फॉर्म हो जा रहा है, तो ये क्यों नहीं होगा, ये तो इरेशनल बन जाएगा। हाँ, इसमें स्ट्रिक्टली मेंशन है कि p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, q तो आपका इंटीजर है, बट बेटा आपका p जो है ये अंडर रूट 5 ये इंटीजर नहीं है, दैट इज व्हाई रूट 5/1 जो है इसको आप फोर्सफुली लिख रहे हो वहाँ p by q, बट ये p by q फॉर्म माना ही नहीं जाएगा क्योंकि p क्या होना चाहिए इंटीजर, एंड रूट 5 इज नॉट एन इंटीजर, एंड दैट इज व्हाई रूट 5 जो है, रूट 2 जो है, ये सब आपका क्या नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल है। तो फिर सर रूट 4 भी तो आपका इरेशनल होना चाहिए, नहीं, रूट का मतलब ये नहीं है कि रूट दिखा और मैंने बोल दिया इरेशनल, रूट 4 का वैल्यू तो आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये मैं रूट 4 का वैल्यू तो सर 2 आ जाएगा, तो इसको 2/1, तो ये तो सर इरेशनल है। हाँ, सारा रूट का वैल्यू ऐसा नहीं है कि आपका इरेशनल होगा, क्योंकि रूट ओवर के अंदर अगर आपका प्राइम नंबर आ जा रहा है तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि दैट इज योर इरेशनल नंबर। तो आप देखो 5 जो है इरेशनल है, 2 आप कोई भी प्राइम नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है फिर वो इरेशनल। हां बेटा फिर से बोलो, सर ये बोल रहा है कि अंडर रूट 4 का मतलब स्क्वायर 2 है तब। हाँ, क्योंकि 4 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 स्क्वायर, तो ये रूट और ये कैंसिल आउट होके सिर्फ 2 आ जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे भी हाँ सर कि ये रूट ओवर को कैंसिल कर जाएगा। ठीक है, तो जिस जिस टर्म को मैं नहीं लिख पा रहा हूँ p/q फॉर्म में उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स।
और क्यू तो जीरो नहीं हो सकता, उसका रीजन सेम था जो कि रैशनल में था वो इधर भी है, क्यू तो भाई जीरो नहीं हो पाएगा, ये तो कभी भी कतई पॉसिबल नहीं, ठीक है? यस सर, यस सर। इसके बाद क्या आ रहा है, प्रूव दैट रूट ओवर ऑफ 2 इज रैशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन भी है, आप लोग भी आई थिंक कर चुके हो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। इस चीज को ना प्रूव कैसे करते हैं, इसको ना बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि आपको जो प्रूफ करने दिया जाता है उसका ऑपोजिट लिया जाता है, मतलब इधर बोल रहा है, बोल दे रहा है कि रूट 2 इरेशनल है, बट मैं लूंगा स्टार्टिंग में एज्यूम करूंगा कि रूट 2 एक रैशनल नंबर। मेरा बात समझ आ रहा है? मैं पहले ही एज्यूम कर लूंगा, लेट अस एज्यूम रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, हालांकि ये नहीं है बट मैं ले रहा हूं। अब देखो रैशनल नंबर है, मतलब मैं इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख पाऊंगा, हाँ क्यों नहीं, तो रूट 2 को मैं लिख दे रहा हूं इधर से p by q, जहां की p एंड q क्या है, इंटीजर्स, ये लिखना है आपको, एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखो p by q अगर है तो बोथ साइड स्क्वायर करूंगा, तो ये रूट ओवर ऑफ 2 का कितना आएगा, स्क्वायर आएगा, और ये p स्क्वायर by q स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है, तो इधर से मुझे मिल क्या रहा है, 2 इक्वल्स टू मीन जा रहा है p स्क्वायर बाय q स्क्वायर, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर आ जा रहा है ना। इतना तक समझ आया सबको? यस यस। देखो इसमें, इसमें एक चीज देखो समझने लायक, p स्क्वायर एक ऐसा टर्म है जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, अब q भी तो क्या है, इंटीजर है, तो मैं बोल सकता हूँ ना पी स्क्वायर जो है वो 2 का क्या है, मल्टीपल है, क्योंकि देखो आप ऐसा नंबर मान लो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 4 लिख सकते हो ना, तो आप बोल सकते हो ना 8 जो है 2 का कोई मल्टीपल ही होगा, क्योंकि पी स्क्वायर आपका 2 से कुछ नंबर मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ना, क्या बोल सकता हूँ, कि पी स्क्वायर जो है 2 का एक मल्टीपल है, हाँ या ना बोलो? ये लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई इसको समझ नहीं आएगा तो बेटा बोलना, मल्टीपल ऑफ 2, अगर पी स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 2 आएगा तो डेफिनेटली बात है आपका पी भी मल्टीपल ऑफ 2 आएगा, तो जैसे कि इधर आ रहा है 2 इंटू 4 है आपका, आप डेफिनेटली बोल सकते हो, 4 को लिख सकते हो ना 2 स्क्वायर, तो ये 4 जो है ये भी आपका 2 का मल्टीपल ही होगा, तो मैं इधर से बोल सकता हूँ कि पी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है? यस सर। यस। अब देखो एक चीज, अगर p बेटा आपका 2 का मल्टीपल हो जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ ना इधर कि कोई भी नंबर से 2 को मल्टीप्लाई करने से, मतलब मल्टीपल ऑफ p जो है 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 से कुछ मल्टीप्लाई करने से ही p आएगा, तो मैं फिर से इधर लिख सकता हूँ कि p जो आएगा आपका 2 इंटू कोई भी इंटीजर, m को लिख रहा हूँ, कोई भी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए फिर, हाँ या ना बोलो? यस सर। यस सर। आ जाएगा 4m स्क्वायर, और इसको मैं लूंगा इक्वेशन 2। अब एक चीज देखो, इधर आपका इक्वेशन था पी स्क्वायर का वैल्यू 2 की स्क्वायर, और इधर पी स्क्वायर का वैल्यू आपका आ रहा है 4m स्क्वायर, तो बेसिकली दोनों ही पी स्क्वायर है तो दोनों ही इक्वल हो जाएगा ना, मतलब 2 की स्क्वायर equals to आपका 4m square आ जा रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सर q square का value 2m square आ जा रहा है, फिर से वही बात, q square को आप 2 के साथ कुछ multiply करने से मिल रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ q square is multiple of 2, मतलब q is also multiple of 2। अब एक चीज देखो, p जो है p का multiple भी आपका p भी 2 का multiple है, q भी आपका 2 का मल्टीपल ही है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा p एंड q का,
टू मतलब पी एन की कॉमन मल्टीपल टू वर्ड है, बट ये स्टार्टिंग में हमने जो लिया था ना रूट ओवर ऑफ टू इक्वल्स टू पी बाई क्यू, ये पी एन क्यू जो इंटीजर होता है ये पी क्यू को प्राइम नंबर भी होता है, को प्राइम नंबर पी क्यू को प्राइम, को प्राइम का मतलब है कि उन दोनों के बीच में कॉमन मल्टीपल जो होगा वो सिर्फ एंड सिर्फ वन होगा, बट इधर तो हमें कुछ और ही मिल जा रहा है, कॉमन मल्टीपल पी एन क्यू दो आ रहा है, मतलब कुछ गलत आ रहा है, तो ये जो है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है, क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो एज्यूम किया था कि लेट अस एज्यूम रूट टू इज अ रैशनल नंबर, ये गलत एज्यूम किया था, एंड दैट इज व्हाई आपका जो कंक्लूशन आ रहा है वो गलत आ रहा है, तो राइट कंक्लूशन क्या आएगा, मतलब राइट स्टेटमेंट क्या आएगा कि रूट टू जो है वो इरेशनल होगा, सो वी कैन से, सो वी कैन आवर ऑप्शन वाज रॉन्ग, रूट टू इज इरेशनल, बात समझ आया मेरा? यस सर। तो ये तरीका होता है कोई भी मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको डील करने का, ठीक है, समझ आया मेरा बात? सर आप इसके नोट्स ग्रुप सर नो, ये टोटल आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, टोटल आपको पीडीएफ फॉर्म में, यस सर। ये भी जाओ, हां बेटा सर ये भी जाओ आप जब भी, हां बेटा कौन सा वाला जो आप हाँ, कर कौन सा वाला पोर्शन नहीं समझ आया आपको बोलो बेटा, सर मींस ये नोट्स मिल जाएंगे, हाँ हाँ नोट्स पे मिल जाएगा, नोट्स पे मिल जाएगा, ये टोटल मिल जाएगा आज ही मिल जाएगा, क्लास के एक घंटे के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है, अब बस ग्रुप में देख लेना कि रोज का जितना क्लास होगा उसी दिन आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा वाला देखते है कि रूट शो दैट 3 प्लस रूट 2 इज इरेशनल, सेम बात, तो इसको यूज प्रूफ करने के लिए पिछले वाला का हेल्प लेना है, ऑलरेडी हम जानते हैं रूट टू इज इरेशनल, तो इधर भी सेम लेंगे कि लेट अस अज्यूम थ्री प्लस रूट टू इज व्हाट रैशनल, तो सर अगर रैशनल होगा तो सेम बात थ्री प्लस रूट टू को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख पाएंगे, हाँ जरूर पाएंगे, तो मैं बोलूंगा सर रूट ओवर ऑफ टू को लिख पाएंगे पी बाई क्यू माइनस थ्री, और इसका एलसीएम करेंगे तो क्यू डिवाइडेड बाई ये, मतलब ये नीचे क्यू और ये आएगा पी माइनस थ्री क्यू, अब एक चीज देखो पी एन क्यू क्या था, इंटीजर था राइट, यस तो अगर पी एन क्यू इंटीजर्स होगा तो ये पी माइनस थ्री क्यू बाई क्यू ये भी आपका इंटीजर ही आएगा, Yes, और नीचे वाला था नीचे ऑलरेडी इंटीजर था, तो मैं बोल सकता हूँ ना रूट ओवर ऑफ टू जो आ रहा है ये भी फिर से आपका वही p बाई क्यू फॉर्म आ रहा है, हाँ या ना? हमने अभी अभी देखा रूट टू क्या है, रूट टू आपका इरेशनल नंबर है, तो ये p बाई क्यू फॉर्म में कैसे आ रहा है, मतलब गलत आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स The fact. Fact क्या है? That is root 2 is irrational. ये हम जानते हैं. So actual statement क्या होगा? 3 plus root 2 is an irrational number. ठीक है? ये n भी लिखना है. तो एक irrational number. ठीक है, यस सर, तो इस टाइप का क्वेश्चन को डील करने का यही आपका तरीका है, बात समझ आया? यस सर, ठीक है, चलो थोड़ा बहुत क्विज है, आई थिंक लगभग क्लास एंड होने ही वाला है, ठीक है, तो बोलो ये वाला कौन बोल सकता है, बहुत इजी चीज है कि विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन, डिवीजन नहीं करके बोलना है कि कौन सा वाला रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बोलो पहला वाला क्या होगा सर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, 175 को करोगे ना तो अगर
आप करके देखना है 25 से अगर करोगे तो कितना आएगा, 25 7 जा तो ये 5 स्क्वायर आ जाएगा, इधर 7 आ जा रहा है तो 7 को नहीं कर पाओगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों देखो 325 को आप लिख सकते हो कैसे, 25 इंटू कितना होगा, 25 इंटू 4 मतलब कितना आएगा, ये 25 से 4 मल्टीप्लाई करने से 100 आ जा रहा है, तो 4 3 12 + 13 मतलब ये 13 आ जा रहा है, 25 से अगर 13 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आ जा रहा है। आप इसको लिख दोगे 5 स्क्वायर इंटू 13, अब 13 को क्या करोगे, ब्रेक ही नहीं कर पाओगे, तो 13 आ जा रहा है मतलब क्या, 5 स्क्वायर और 2 स्क्वायर 2 के पावर में नहीं आ रहा है, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। तीसरा वाला बोलो, ये टर्मिनेटिंग आएगा, क्योंकि 40 को क्या लिखेंगे सर, 5 इंटू 8 लिख देंगे और 5 इंटू इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर, तो ये वही फॉर्म आ जा रहा है ना, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n वाला, तो ये तो सर टर्मिनेटिंग है, तो दिस इज टर्मिनेटिंग। एंड नंबर 4 टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये वाला आप लोग बोलोगे मुझे। ये 5 के पावर में 4 है तो बोलो क्या आएगा, ये तो झटाक से बोलना चाहिए, बहुत इजी प्रॉब्लम, तो ये टर्मिनेटिंग है, मतलब ये फॉल्स है या ट्रू है, बस बात खत्म, क्योंकि ये 3 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, जहां n इक्वल्स टू 0 और m इक्वल्स टू आपका 4 दिया है, बस बात खत्म। और कुछ है क्या, देख लेते हैं क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, क्या होगा ये, फॉल्स होगा, क्यों बोल रहा है, दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल आएगा, देखो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, रूट ओवर ऑफ 2 को रूट ओवर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करके तो सर 2 आता है, ये दोनों ही इरेशनल है बट ये तो रैशनल है, तो ये गलत हो गया, तो आप बोल सकते हो ये भी फॉल्स है, बात समझ आया, ये सब होमवर्क है, ये तो मैं नहीं करने वाला हूँ, ये लोग ये चीज आप लोग करोगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है इसका आंसर इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये दिया है, और बाकी जो है आप ये ट्राई करना, ठीक है, घर पे ट्राई करना है आप लोगों को, yes, तो बस यही था कंक्लूशन, कंक्लूशन क्या, कंक्लूशन में यही है कि जो भी हमने देखा कि कैसे ये रैशनल इरेशनल नंबर्स को हम डील करेंगे और इसका जो प्रॉब्लम है इसको डील करेंगे, वही हमने सीखा आज क्लास में, ठीक है, जो कि एग्जाम लेवल प्रॉब्लम था और बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम था, इसमें कुछ हाई लेवल नहीं था, तो आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा, नहीं नोटबुक पे करने का जरूरत नहीं है, बट हाँ आप जो होमवर्क कर रहे हो ना वो कहीं आप होमवर्क जो प्रॉब्लम है इसको आप कहीं कर सकते हो, और जो नोट्स है ना नोट्स देखो आप लोग आई थिंक मोबाइल से कर रहे हो, ठीक है, तो नोट्स जो है मोबाइल के एक अलग फोल्डर में आप इसको सेव करके रख सकते हो, क्योंकि हर रोज जो नोट्स आएंगे ना साइंस के मैथ्स के सब एक झूल से मिलजुल के मिक्स अप हो जाएगा, नहीं आ रही, हेलो हेलो मेरा आवाज नहीं आ रहा है सर, आ रही है, तो मैं बोल रहा था कि आपका जो नोट्स मिलेंगे ना वो मैथ्स का आप एक अलग फोल्डर में रखो, मोबाइल से कर रहे हो ना इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मोबाइल, अच्छा ठीक है, तो मोबाइल से कर रहे हो ना क्लास, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ना मैथ्स का जो नोट्स है इसको एक अलग फोल्डर में रखो, नोट्स अच्छे से रखना, क्योंकि इसके बाद बहुत क्लासेस हो जाएंगे तो मैथ्स का साइंस का सब मिलजुल के एकदम मिक्स हो जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस फॉर्म में रखना है कि दिस इज लेक्चर 1 दिस इज लेक्चर 2, बाद में आपको एग्जाम टाइम में देखना इतना हेल्प होगा ना आपको समझ आएगा, नहीं मैंने देखा है बहुत बच्चे मुझे एग्जाम से पहले पूछते हैं कि सर मुझे नोट्स भेज दो, अब एग्जाम से पहले इतना नोट्स भेजूंगा ना तो आप पागल हो जाओगे, तो आप अभी से क्या करो कि एक पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल नोट्स तो आपको लिखना नहीं पड़ रहा है, 10 मिनट या 5 मिनट भी नहीं लगेगा, उसको एक अलग फोल्डर में रखो, उसको वैसे तो मैं फाइल नेम लिख के ही भेज दूंगा, फाइल नेम में लिखा रहेगा नंबर सिस्टम लेक्चर 1 डेट लेके, बट आप आपका खुद सा नंबर दे दो कि हाँ ये लेक्चर 1 है, इसके बाद जो आएगा वो लेक्चर 2 है, ऐसे सीरियल बाय ऑर्डर में रख दो, तो आपका जो नोट्स है वो काम आ जाएगा, आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा,
यही अब आपको एग्जाम टाइम में दिखोगे ना, ये रिविजन हो जाएगा इधर से। ऐसे करते हैं स्मार्ट वर्क। अगर हार्ड वर्क करना है फिर तो इसको लेके बैठ जाओ, दो तीन घंटा लिखने में ही चला जाएगा। तो ये सब करके कोई फायदा नहीं है, चीजों को समझो और इसको अच्छे से रखो, इसी से रिवाइज करो, टाइम बचेगा। स्मार्ट वर्क करना है, नहीं तो बहुत काम करना पड़ जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं तो 8 घंटा 9 घंटा पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर भी देखना होगा नहीं। अब कितना पेज है इसमें, आई गेस 20 तो पेज होगा, यहाँ 24 लगभग पेज हो जा रहा है। तो इतना आप लिखने बैठोगे तो आपका तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना, ठीक है बेटा? तो बस यही था आज का। तो नेक्स्ट आपका सैटरडे को है, क्लासेस ज्वाइन करना है एंड अच्छे से ज्वाइन करना, एंड प्रीवियस क्लास थोड़ा रिवाइज करके आना, ठीक है बेटा? चलो सबको गुड नाइट, ट्राई करो, सबका ख्याल रखना। गुड नाइट सबको, गुड नाइट, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट सर, गुड नाइट। हाँ बेटा बोलो, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा। सर जो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है और हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं सर, और कौन कौन से क्वेश्चंस में? और देखो मैंने इधर जो क्वेश्चन दिया है, जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है ना, इसमें हम नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, प्रूफ दैट दिस इज इरेशनल नंबर, प्रूफ दैट दिस इज इरेशनल नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन में ना हम कॉन्ट्रडिक्शन वाला यूज करते हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन, हाँ बेटा बोलो। जो समझ में नहीं आया क्वेश्चन वो आपसे दोबारा पूछ सकते हैं? हाँ बेटा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जब मैं आपको एक्सप्लेन भी हाँ देखना, मैं जिस नंबर से आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ ना, कि देखना मैंने मैसेज किया है ग्रुप पे कि हेलो बेटा एवरीवन प्लीज ज्वाइन, तो वो वाला मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा नाम आई थिंक आप जानते हो, मेरा नाम सुरजीत है। तो आप सुरजीत सर नाम से सेव करके रख सकते हो, अगर नहीं भी सेव करोगे कोई दिक्कत नहीं, तो वो वाला मेरा नंबर है, आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा, ठीक है? यस सर, ठीक है, यस सर, ठीक है बेटा। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू सर।